हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके कुछ डाउट वगैरह क्लियर करने की कोशिश करने वाली हूँ जो कि आप ही ने मेरे लास्ट वीडियो के कमेंट सेशन में पूछे हुए हैं। फर्स्ट क्या था ना कि एसएससी जीडी के लिए एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो इसका सीधा सा आंसर है यार, नहीं कर सकते हैं। अगर आप गलती से भी ऐसे कर देते हैं ना तो आपको रिजेक्शन से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। तो सही रहेगा इस तरह की जो ये शॉर्ट ट्रिक्स है ना, ये अपने दिमाग से निकाल दें। एंड सेकेंड क्या है ना कि जैसे कि अपने राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, इस साइड की मेरिट सबसे हाई जाती है, हर बार ही होता है ऐसा। तो ये जो इधर के जो बंदे होते हैं, ये लोग सोचते हैं क्यों ना अपन अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप कर दें ताकि अपना कंपटीशन कम हो जाए और अपन को इजीली सिलेक्शन मिल जाए। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं। लाइक हमें अदर स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, एंड देन अपन चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, एसटी, एससी, ओबीसी, किसी से भी, लेकिन अदर स्टेट में अपन को क्या है ना कि जनरल कैटेगरी के साथ ही फाइट करना पड़ेगा। अब सोचिए कि अपन जैसे राजस्थान के अंडमान निकोबार से अपन कर रहे हैं अप्लाई, वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा मान लीजिए 50 हैं वैकेंसीज, एंड उसमें भी एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल की है, जनरल की कितनी होंगी, ज़्यादा ज़्यादा मान लीजिए 25 हैं, 25 या 30 मान लीजिए। अब वहाँ के भी कैंडिडेट्स हैं, देन अपने ये पाँचों ये राज्य हैं, इसके इंटेलिजेंट बच्चे आ जाते हैं, तो ये सभी इतनी सी वैकेंसीज के लिए करते हैं कॉम्पिटिशन फाइट। देन आप खुद सोचिए यार, इससे भारी संकट क्या ही होगा। तो सिंपल सी यही बात है कि यार ऐसी झंझट में ना पड़े, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहीं से अप्लाई करें, वही बेटर रहेगा। एंड जो थर्ड डाउट है वो ये यार, लगभग सभी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैं सीआईएसएफ में जाना चाहता हूँ, इसकी मेरिट क्या होगी, मैं एसएसएफ, इसकी मेरिट क्या होगी, एनआईए, इसकी मेरिट क्या होगी। तो यार ऐसा ना कुछ डिसाइड नहीं रहता है, मेरिट कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। आपको तैयारी इस तरह से करनी कि कहीं से कुछ भी आ जाए और कितनी भी मेरिट जाए, अपना 100% क्लियर होना चाहिए, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। बेस्ट बुक की बात आती है तो यार पता है सभी को लुसेंट सबसे बेस्ट है, लुसेंट के बाहर से कुछ नहीं आता, बस वो अपने पढ़ने के तरीके पे डिपेंड करता है कि अपन कैसे पढ़ते हैं उसे। बढ़िया से बढ़िया बुक अपने सामने रख दे तो ऐसा नहीं कि अपना 100% सिलेक्शन हो जाएगा, अपन उसे कैसे पढ़ते हैं वो अपने तरीके पर डिपेंड करता है। सो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।